क्या आपको भारतीय ध्वज में दिए गए तीन रंगों का मतलब पता है? सर्वपल्ली राधा कृष्णन ने इन तीन रंगों का मतलब बताया है। केसरी रंग का मतलब है परित्यक्त और बलिदान का प्रतीक। उसके नीचे दी गई सफेद रंग की पट्टी का हमारे आचरण और प्रकाश को मार्गदर्शन करने के लिए सत्य का मार्ग प्रदर्शित करती है। उसके नीचे दिए गए हरा रंग मनुष्य का वनस्पति के साथ संबंध को दर्शाता है, यानी कि खुशहाली का प्रतीक। इन तीन रंगों के बीच एक चक्र है जिसे हम अशोक चक्र के नाम से जानते हैं। इसका मतलब है कि गति में ही जीवन है और ठहराव में मृत्यु है। इस तरह के और अमेजिंग फैक्ट्स के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।